आज हम लोग बना रहे हैं गैद की दाल के गर्मा गर्म पराठे, मतलब मम्मी बना रही हैं। और मम्मी ने ये बॉईल करके रख दी थी दाल, और सबको पता है ये गैद की दाल पहाड़ी दाल होती है, और इसके इसकी दाल भी बनती है, और इसको पीस के भी इसकी दाल बन जाती है। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं, लेकिन आज भरवे पराठे इसके, तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। और सर्दियों में खासकर ये दाल मिलती है और खाई भी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है। तो मम्मी ने इसको बॉईल कर दिया था, 2-3 सीटीज़ में लगा दी थी भिगोने के बाद, क्योंकि रात भर इसको भिगोया है दाल को, और सीटी लगा दी थी इसमें 3-4। तो ये अच्छे से, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से गलाना नहीं होता है, थोड़ा खड़ा खड़ा, ताकि ये बिल्कुल जब हम इसको सिलबट्टे में पीसें तो ये बिल्कुल पेस्ट जैसा चिपचिपा ना हो, ऐसा हो कि हम इसके भरवा पराठे बना पाएँ। तो वैसे तो बहुत से लोग मिक्सी में भी इसको पीस देते हैं, हम भी मिक्सी में पीस देते हैं, लेकिन मम्मी ने यहाँ पर सिल में इसको पीस रही है, सिलबट्टा जो होता है, और इसे सिलबट्टे का टेस्ट सबको पता ही है कितना टेस्ट आता है सिलबट्टे में पीसी भी हर चीज़ का, मसाले हो, दाल हो, कुछ भी हो, तो मम्मी यहाँ पर वही पीस रही थी। तो मैंने कहा चलो एक अलग सी चीज़ बना रहे हैं आज यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और आप लोग भी अपने घर में ये बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी होती हैं, और कितनी बार बोलूँ मैं, हेल्दी तो होती ही हैं। तो सर्दियों में खासकर ये दाल सर्दियों में ही मिलती है, गैद की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई। तो बस आप लोग देखिए आगे आगे कैसे मम्मी बना रही है, आपके साथ मैं पूरा वीडियो शेयर करूँगी इसका। तो मम्मी ने दाल वगैरह सब पीस दिए है सिलबट्टे में, और वो एक प्लेट में निकाल ली है। और इसके बाद मम्मी जो अदरक और लहसुन होता है उसको अच्छे से छिलके धोकर, यहाँ पर मम्मी अदरक और लहसुन का भी पेस्ट बना रही हैं, क्योंकि ये जो पेस्ट वाला जो मैंने देखा है आज, उससे बहुत टेस्ट आया यार परांठे में, क्योंकि हम लोग नहीं डालते हैं अदरक लहसुन, जैसे अगर हम भरवा परांठे बनाते हैं दाल के तो हम लोग नहीं डालते हैं, तो मम्मी ने डाला तो बहुत टेस्ट, मतलब अच्छा लग रहा था परांठे, अलग ही टेस्ट आ रहा था अदरक लहसुन का। तो आप भी अगर अपने घर में बनाओगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ज़रूर डालना, चाहे आप मिक्सी में पीस के डालो, लेकिन डालना ज़रूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मम्मी वही पेस्ट बना रही है, और इसके बाद मम्मी इसको दाल के साथ मिक्स कर देंगी। तो मम्मी ने यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको दाल के साथ मिक्स कर दिया है, और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगी। इसमें मम्मी नमक डाल देंगी, हल्दी डालेंगी इसमें मम्मी, और मिर्च डालेंगी। तो सिया और आशिक के लिए तो हमने थोड़ा सा निकाल दिया था नमक डाल के, क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाते हैं, तो इसमें मम्मी नमक डाल रही हैं और हल्दी डाल देंगी। उसके बाद लाल मिर्च हम बाद में डालेंगे जब आशी और के लिए निकाल देंगे। तो बस इसको अच्छे से आप भी ऐसे करके अच्छे से फिर मिक्स कर दें, ताकि नमक हर दाल हर उसमें जगह पर मिल जाए, और हर जगह पर नमक एक जैसा रहे। और इसमें मम्मी ने अजवाइन भी डाला है, ये मुझे अभी दिख रहा है, तो मम्मी ने अजवाइन भी डाला है, इससे जो है डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। और इसमें हींग भी डाली है मम्मी ने थोड़ी सी, तो आप देखोगे तो मम्मी अभी इसमें हींग भी डालेंगी। तो मम्मी ने यहाँ पे हींग भी डाल दी है, और अब मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी, और मिक्स करके एक डोसा तैयार कर देंगी, उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पराठे वैसे बन रहे हैं। यहाँ पर मम्मी आ गई हैं पराठे बनाने के लिए। तो मम्मी ने आटे का लोई ली है, और उसको थोड़ा सा बेल कर हाथ से थोड़ा सा जैसे फैलाते हैं वो लेकर, और उसमें जो जितना हमें चाहिए होता है, वैसे तो मम्मी ज़्यादा ही भर रही थी दाल, तो जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। और हमारे पहाड़ियों में तो भाई पतले पतले परांठे नहीं चलते हैं, हमारे में चलते हैं थोड़े बड़े बड़े, और थोड़े से जैसे सॉफ्ट जैसे जो हो जाते हैं उस टाइप के, तो मम्मी वही बना रही हैं बड़े बड़े, थोड़े से मोटे मोटे से, और खाने में मज़ा भी आता है, मतलब सॉफ्ट से लगता है ना, तो मम्मी वही बना रही है। बस इसकी लोई के अंदर बना के दाल डाल दी है, और इसको भरवा की जैसे भरवा परांठे हम बनाते हैं सेम वैसे बनाना है, और इसको बेल के मम्मी सेक देंगी। तो आप लोग भी देखिए, और घी हो या फिर मक्खन हो उसके साथ ही भरवा परांठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे मम्मी बना रही हैं।
यहाँ पर मम्मी ने बना दिया है पराठा। तो ये सेकंड पराठा था और देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। और इसमें मैंने घी डाला है और हमारे पास मूली की चटनी जो मम्मी ने बनाई थी उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो उसके साथ हमने इसे खाया, बहुत टेस्टी है और आप लोग भी यहीं से चख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी नानी बना रही हैं गैत का पराठा। नानी किसके लिए बना रहे हो बताओ? गौरव के लिए। हाँ, बड़े मामा जी के लिए बना रहे हैं क्योंकि बड़े मामा जी को बहुत पसंद है और नानी को बोल भी रहे थे कि मेरे लिए भरी हुई रोटी बनाना है ना नानी। हाँ, तो मामा जी आपके लिए नानी देखो कितनी मेहनत से बना रही हैं। ये देखो मेरी नानी इतने बुढ़ापे में भी इतनी एक्टिव है। लो नानी बनाओ। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जैसा कि मेरी नानी बना रही हैं भरवा पराठा। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ उनको मैंने क्यों बोला बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे सुबह ही बोला कि नानी मुझे बोल रही थी अगर कभी भी, मतलब बड़े मामा जी का नाम लेकर बोल रही थी कि नानी बोल रही थी अगर वो कभी भी यहाँ पर आए तो उसके लिए भरवा पराठा ज़रूर बनाना मेरे मामा जी के लिए, क्योंकि वो नानी को बोल रहे थे एक बार गाँव में कि मेरे लिए भरवा पराठा बनाना। बट अब नानी थोड़ा सा एज हो गई है और वहाँ पर ठंडा बहुत है और अब नानी अब इतना नहीं कर पाती हैं, तो मम्मी को बोल रही थी कि कभी वो आएंगे यहाँ पे तो उनके लिए ज़रूर भरवा पराठा बनाना वो बोल रहे थे। तो यहाँ पर मौका भी था, देखो वही भरवा पराठे बन रहे हैं, नानी देख भी रही थी और मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, नानी सच में उठकर पराठा बनाने के लिए आ गई। तो ये माँ का दिल होता है कि वो, मतलब वो उस टाइम पर बैठी हुई थी ऐसी और वो इतना उनके हाथ पैर वगैरह चलते नहीं हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए देखो एकदम से आ गए पराठा बनाने के लिए। जैसे भी बनाया, जैसे नहीं बनाया, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा वो, क्योंकि वो पराठा बाद में मैंने ही खाया है, इतना सॉफ्ट इतना अच्छा और देखो माँ के हाथ का है, माँ का प्यार है उसमें। तो मामा जी अगर आप देख रहे हो तो यहीं से आप चख लेना, नानी ने आपके लिए बहुत टेस्टी पराठा बनाया था। उनके हाथ देखो ढंग से चल नहीं रहे थे लेकिन फिर भी उनका प्यार था वो मामा जी के लिए, अपने बेटे के लिए, कि उन्होंने मुझे एक बार बोला है कि मुझे बनाना है तो इस वजह से वो बना रही हैं, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं बना पाएंगे, सबको पता है क्योंकि वो इनकी एज भी होगी, वहाँ पे ठंडा भी है, फिर इतना प्रोसीजर लगता है दाल को भिगो फिर उसको पीसो, तो अब नानी के अंदर इतना वो नहीं है कि वो कर पाएँ यहाँ पर। लेकिन उन्हें बड़े प्यार से हाँ बोलकर एकदम से खुश होकर वो आ गई थी, अच्छा बनाओ, मैंने कहा हाँ बनाओ आप बनाओ, मामा जी यहीं से देख लेंगे कि आपने उनके लिए बना दिया है ना। तो नानी बहुत खुश हो रही थी, अच्छा लगता है देखो अपने बच्चे के लिए कैसे उठकर आई है एक माँ ना। और मेरे मामा जी लोगों ने उनके लिए कोई कमी भी नहीं करी हुई है, उनको हर तरह से सुविधाएं दी हुई है। बट लेकिन अब हो जाता है सब अपनी अपनी फैमिली में अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं और अपनी अलग अलग गृहस्थी भी हो जाती है सबकी। तो बस यहाँ पर मेरी नानी वही कर रही थी, अब वो थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि माँ हो जाती है अपने बच्चों के लिए इमोशनल, और आई एम श्योर अगर मामा जी भी देख रहे होंगे तो वो भी ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे नानी को देखकर जब वो ऐसे रो रही थी। देखो नानी ने सबके लिए है ना, देखो नानी वहाँ बना नहीं पाती ठंड में तो यहाँ पे बना दी मामा जी लोगों के लिए सबके लिए है ना, यहीं से खाना यहीं से खाना। हाँ 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 सबके लिए है ना। चलो चलो देखो नानी ने कितना अच्छा पराठा बनाया है भरावा।
एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 12 जनवरी और दिन है आज शनिवार। तो हम लोग अभी नाश्ता करके बैठे हैं, एक घंटा हो गया और अभी मैंने किचन वगैरह क्लीन करा है क्योंकि सोनू ने आज पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, डस्टिंग सब कुछ उसने करी है। और मम्मी ने आज बहुत ही टेस्टी गैद की दाल के पराठे बनाए हैं जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं, गर्म होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो हम बनाते थे उसमें हम अदरक लहसुन नहीं डालते थे, बट मम्मी ने इसमें अदरक लहसुन डाला है तो उससे टेस्ट और भी अच्छा आ गया था। और मुझे पता ही था कि अदरक लहसुन भी पड़ता है और मम्मी ने उसे सिल में पीसा है। हम लोग तो मिक्सी में पीस देते हैं बट मम्मी ने सिल में पीसा है तो और भी, सबको पता है सिल में पीसा हो, मसाला हो, कुछ भी हो, टेस्ट और बढ़ जाता है। तो वो मम्मी ने बनाया है और बाद में एक नानी ने बनाया है जो कि बहुत ही मतलब इतना अच्छा बनाया, वो मैंने खाया, इतना गुदगुदा पराठा बना रखा था बिल्कुल सॉफ्ट जैसा। तो जो नानी ने बनाया था वो मैंने खा लिया था, बनाया नानी ने दिखाने के लिए, मामा जी लोगों के लिए बनाया था क्योंकि अब वो मतलब ऐसे बनाती होंगी घर में, मुझे इतना पता नहीं है, बनाती हैं बट अब उनका एज भी हो चुका है तो अभी इसमें प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है ना कि दाल को उबालो फिर उसके बाद पीसो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब वो इतना नहीं कर पाती हैं। तो उन्होंने यहीं पर बना दिया मामा जी लोगों के लिए क्योंकि मामा जी शायद एक बार मम्मी को बोल रहे थे, मम्मी को नहीं सॉरी नानी को बोल रहे थे कि मिल लो बना दो, तो नानी अपनी उनका एज इतना है नहीं कि वो बना पाए, तो यहीं से बना दिया उन्होंने, मामा जी को खिला दिया। तो वो ये, और अभी मैंने बस बर्तन धो दिए हैं, किचन वगैरह क्लीन कर दिया है क्योंकि इन लोगों ने सारा काम कर दिया था और मैंने अपना उसका काम कर दिया है वो है। और आप लोग बताओ कैसे हो, और मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया है जिसमें आपने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करे हैं मुझे। और मैं आपको बता दूं, एक लाइव में एक जो अनन्या है उनका नाम अनन्या पांडे, बट मैंने उन्हें लाइव में अनाया पांडे करी थी, तो पढ़ने में मुझे जल्दीबाजी में अनाया पांडे ही आ रहा था तो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं बाद में। अब जब मैंने बाद में दोबारा से देखा ना तो अनन्या पांडे थी वो, तो सॉरी अनन्या, मैंने तुम्हें बार बार अनाया बोल रही थी। तो बस वही है। और अभी मम्मी धूप में बैठी है, मैं भी धूप में जाऊँगी अब क्योंकि अभी नानी के लिए मैंने कॉफ़ी बनाई है क्योंकि नानी अभी मेरे पास आई, बोल रही है कि एक कप कॉफ़ी बना दो, तो मैंने नानी के लिए कॉफ़ी बनाई है तो उसमें से आधी मम्मी को दे दी है, उन्होंने ज़्यादा वो पीती नहीं, उनका मन करा होगा तो कॉफ़ी बना के दे दी है। बस मैं अंदर बैठी थी, मैंने सोचा अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ और अब मैं बाहर जाऊँगी, धूप में बैठती हूँ क्योंकि धूप कल बहुत अच्छी धूप निकली, आज ही बहुत अच्छी धूप निकली है। और ब्लॉग इसलिए भी स्टार्ट कर दिया, पहले मैं सोची थी थोड़ा लेट करूँगी लेकिन आपके इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट आते हैं, मुझे किसी ने कॉमेंट करा है कि दीदी आप जल्दी जल्दी ब्लॉग डाला करो, आपके ब्लॉग देखने का बहुत मन करता है, तो इस वजह से मुझे और अच्छा लगा अंदर से। तो मैंने कहा चलो मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैं सोचती थी शाम से करूँगी, तो अच्छा लगता है आप लोगों के कॉमेंट पढ़ के मन करता है फिर ब्लॉग बनाने का, ये हो जाता है। तो अभी दक्ष सो रहा है और चलिए मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा धूप में बैठती हूँ। आशी और छत में वो अपना खेल रहे हैं, पड़ोस में जो भाभी जी हैं उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं वो लोग, तो बाहर चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पूरा किचन क्लीन तो कर दिया है, थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह रखी हुई है, ये भी इसमें सब्जी थी और इसमें भी कॉफ़ी बनाई थी, तो वैसे साफ है दूध का ही है। यहाँ पर मैंने बर्तन धो दिए हैं, है ना, तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। और अभी लंच का पता नहीं है क्या लंच बनेगा, देखते हैं, शायद पुलाव बनाएंगे क्योंकि वो परांठे बहुत हैवी हो जाते हैं ना इस वजह से। तो यहाँ पर मैं जो नानी है उनके सर में ऑयल लगा रही थी क्योंकि वो मुझे स्पेशली बोलने आई कि पूजा मेरे सर में तेल लगा दे, तो मैंने कहा लगा देती क्योंकि कल नानी नहाई थी ना, तो जो सर है बिल्कुल वैसा हो गया था, रूखा रूखा सा, उन्होंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, तो मैं वही उनके सर पर सरसों का तेल लगा रही थी। तो मुझे अच्छा लगता है जब वो ऐसे छोटी छोटी बात बोलती है, कभी कॉफ़ी बना दे, कभी ये कर दे, अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद जो मुझे प्यार करती हैं और आशीर्वाद देती हैं तो मेरा मन बहुत खुश होता है, तो करने का बहुत मन करता है ये सब चीज़ें। तो नानी बहुत प्यारी है मेरी। तो दक्ष और मैं जा रहे हैं छत में, है ना दक्ष? दक्ष लो आशी और को देखने जा रही हूँ, बहुत देर से छत में बैठे हुए हैं, ये देखने जा रही हूँ। ओह माय गॉड, सीढ़ियाँ, दक्ष हम आ गए। हाँ इसने अपनी मम्मा को देख लिया, इसने मम्मा को देख लिया, कहाँ है आशी और कहाँ है, वहाँ पे है ही नहीं, उनके यहाँ चले गए नैन्सी और क्या। सुनी बर्फ दिख रही है क्या,
मैं क्या आशी तो मम्मी ने इतने सारे कपड़े वॉश कर रहे थे, ये रात को ही कर रहे थे क्योंकि पानी हाँ मॉर्निंग में आता है, बिल्कुल सुबह में आता है या फिर रात को आता है, तो रात को सारे मम्मी ने कपड़े मशीन में वॉश कर दिए थे। और मैं आपको यहाँ पहाड़ दिखाती हूँ, इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मौसम साफ हो चुका है ना, इसलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो आशी और लग रहा है चले गए, नैन्सी और क्या, मैं आवाज़ मारती हूँ। इधर से ही पहाड़ बहुत प्यारा लग रहा है सामने, तो धूप में बैठ नीचे ही बैठने में बहुत धूप लग रही है और आज बहुत सुस्ती भी आ रही है, अजीब सा हो रहा है, नींद नींद सी हो रही है। वो आशी और को खाना दे दिया है और आशी को चावल दे दिए थे, वैसे किसका है, नानी का मारे तुम। तो सोनू रोटी बना रही है, चावल बचे हुए हैं और अभी रोटी भी खाई है ना, पराठे मतलब, तो पेट अजीब सा हो गया। नानी लो तो पराठे खाए हैं अभी, तो पेट बहुत फूल हो रखा है। तो सोनू रोटी बना रही है, आशी और के लिए चावल बना दिए थे, चावल खा रहे हैं वो, और बगल में जो भाभी जी हैं उन्होंने राजमा की दाल दी थी, मिक्स राजमा वो हैं, छोले बचे हुए हैं, हरी सब्जी बची हुई है और सोनू सबके लिए यहाँ पे रोटी बना रही है। बस दो दो रोटी खाएंगे क्योंकि तो पेट इतना भर गया है, वो खा लिए, जबरदस्ती खा लिए, खाना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है और जबरदस्ती खा लिए, वही होता है ना, नियत के लिए ना, उसे पेट भर जाता है लेकिन नियत नहीं भरती ना, तो पराठे दबा के खा लिए तीन तीन मोटे मोटे, और अब भूख नहीं लगती लेकिन खाना है, तभी एक ही रोटी दिखाना है हमारे पेट को कि दिन हो गया खाना खाना है। तो यहाँ पे छोले भी थे कल के बचे हुए, बहुत टेस्टी और थे, वही गर्म करती हैं, और थोड़ी भाभी ने राजमा दे दी थी पड़ोस में जो भाभी है वो है। बस अब खाना खाएंगे और अपने ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, और तो आई होप आपको पसंद ही आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरे ब्लॉग्स को, सॉरी चैनल को। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कर दे सुनो बाय।